हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अपनी गाड़ी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। काफ़ी टाइम से गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, तो आज अपन इसको स्टार्ट वगैरह करेंगे और मैं कुछ कुछ जनरल टिप्स बताऊंगा जो कि आप चाहे नई गाड़ी हो आपकी या पुरानी गाड़ी, आपको उस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। वैसे तो आप लोगों को, काफ़ी लोगों को मैसेज वगैरह के थ्रू पता चल ही गया होगा कि आपके गाड़ी का जनरल केयर कैसे करना है आपको। जिस भी कंपनी, जिस भी ब्रांड की आप कार रखे हैं, मैसेज उनके द्वारा आपको मिल गया होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर अभी तो मेरी गाड़ी अभी 1 हफ्ते से, 1 वीक से ही खड़ी हुई। गाड़ी चाहे नई हो या पुरानी, आपको इस बात को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी ओपन करता हूँ यहाँ पर। गाड़ी का हुड ओपन करना है। गाड़ी आपको नीट एंड क्लीन दिख रही होगी, कल ही मैं वॉश किया था, देखिए यहाँ। तो सबसे पहले हुड ओपन करना है, और इसमें जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि किन बातों का ध्यान देना है, जो वायर वगैरह या जो पाइप वगैरह, जैसे कि ये कूलेंट बॉक्स वगैरह का दिख रहा हो आपको, इस चीज़ को जब आप गाड़ी ऑन करेंगे तो एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एयर फिल्टर रहता है मेन, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको अपन को ओपन करके कैसे चेक करना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ओपन किया जाता है। सब गाड़ी का इस टाइप का बॉक्स आपको या तो यहाँ पर देखने को मिलेगा या आसपास यहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये एयर फिल्टर बॉक्स रहता है, यहाँ एयर फिल्टर रहता है, यहाँ पर जैसे क्लिप टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसको पहले आप इसको निकाल लीजिएगा, हेडलाइट का। ये इको स्पोर्ट का है, हर गाड़ी का हो सकता है अलग जगह में हो, जिससे क्या ये निकलने में थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। उसके बाद ये ओपन करिएगा इसको, ये आपका एयर फिल्टर यहाँ से आपको दिखेगा, देख सकते हैं। देखिए ये एयर फिल्टर है, अभी मेरी गाड़ी का आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा हो। अभी रिसेंट में इसका मैं सर्विस किया था तो आपको दिख रहा होगा कि ये साफ़ है। मेरे घर में एक कैट भी है, एक कैट रखा हूँ, जिससे क्या माउस वगैरह जो रहता है हिंदी लैंग्वेज में तो चूहा जिसको बोलते हैं, चूहा क्या करता है इसमें अपना वो घर बना ले, इंजन में कहीं पर भी वो घर बना सकता है। और क्या करते हैं इसको उन लोग, जैसा कि ये देख सकते हैं स्पंज टाइप का रहता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, तो इसको चूहा क्या करता है कट कर देता है। तो इसमें कट करेगा तो यहाँ से आपका गाड़ी एयर इंटेक करता है, शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ से सांस लेता है। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है, अगर ये इसमें डैमेज हो गया होगा या चूहा गंदा कर दिया होगा तो इसको सबसे पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा या फिर चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से एयर इंटेक होके ये सीधा इंजन कंपार्टमेंट में ही जाता है। तो मेन यहाँ से चूहा अगर कुछ भी गंदा किया या फिर चूहा यहाँ पर फंस जाता है, तो वो जब गाड़ी आप ऑन करेंगे तो इस पाइप से, जैसे कि यहाँ से सीधा वो अंदर चला जाएगा, तो उससे आगे चल के आपके गाड़ी का इंजन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर ये सही है तो इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे निकालें बिल्कुल उस टाइप से देख लीजिएगा ऐसे करके, उसके बाद ये ऐसे करके लॉक दिया रहता है, इसको आपको लगा लेना है ऐसे करके। तो उसके बाद इंजन देख लीजिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, उसके बाद ही आप गाड़ी ऑन करिएगा। क्योंकि ऐसे पहले ऑन करने से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा वो बढ़ जाए। तो आइए अब इसको एक बार ऑन करते हैं अपनी गाड़ी को, 1 वीक से जो कि खड़ी हुई थी। इग्निशन ऑन कर दिया मैं, क्लच प्रेस करता हूँ, देखिए गाड़ी यहाँ पर मैं ऑन कर दिया हूँ, देख सकते हैं ये आपको दिख रहा होगा आइडल कंडीशन में है। तो इसी आइडल कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जैसा कि अभी आरपीएम का जो निडल है, जो सुई बोलते हैं जिसको, ये आपको देखिए आरपीएम 1000 आरपीएम से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए हल्का हल्का ये डाउन होके इसका जो पेट्रोल इंजन का आरपीएम है 850 850 आरपीएम में, जब तक ये नहीं आ जाता तब तक आपको एक्सीलेटर रेव नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। मैं एक्सीलेटर कुछ भी नहीं कर, अब देखिए धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो जब तक ये 850 आरपीएम में नहीं आ जाता आपको ऐसे ही छोड़ देना है गाड़ी को, और 5-10 मिनट इसको ऑन छोड़ दीजिएगा। गाड़ी का भी माइलेज देखिए कितना शो कर रहा है एमआईडी में।
तो यही है फ्रेंड मेन आपको जो मैं बताना चाह रहा था एयर फिल्टर वाला। हालांकि आपको टिप्स एंड ट्रिक तो आप लोग भी अगर फोर व्हीलर रखते हैं तो काफ़ी कुछ नॉलेज रहता ही है, फोर व्हीलर रखते हैं एक बार नॉलेज हो जाता है। लेकिन मेन जो एयर फिल्टर का मैं बताना चाह रहा था, जो चूहा वगैरह रहते हैं गाड़ी के बहुत बड़े दुश्मन हो जाते हैं, वो नई और पुरानी गाड़ी में भेदभाव नहीं करते, वो सभी गाड़ी को अगर उनको अगर निशाना बनाना है तो वो नहीं सोचते हैं और कोई भी वायर वगैरह कट कर देते हैं, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को डिटेक्ट करने में, क्योंकि वो कहीं से भी घुस के कहीं से भी कोई भी वायर एक कट कर देंगे तो बहुत सिरदर्दी वाला काम भी हो जाता है। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप चूहे से अपनी गाड़ी को ज़्यादा बचाइएगा, क्योंकि वो सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं कार के। और एयर फिल्टर को याद से देख लीजिएगा, क्योंकि वो जैसा मैं आपको दिखाया सॉफ्ट टच रहता है, वो स्पंज में रहता है, तो उसको काटना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है और वो काट के अंदर तक चले जाते हैं और वो टुकड़े टुकड़े में काटते हैं वो। तो वो जब गाड़ी आप ऑन करेंगे तो जितने टुकड़े टुकड़े में काटे रहेंगे सारा वो इंजन इंटेक्ट कर लेगा अपने ऊपर वो। तो यही कुछ था फ्रेंड आज के वीडियो में जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आई होप फ्रेंड आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।